यूहन्ना लिखता है उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। यूहन्ना जो है वो इस बात को कहता है कि प्रकाशित वाक्य का ये संदेश जो भिजवाया जा रहा है एशिया की 7 कलीसियाओं को जो भिजवाया जा रहा है ये उसकी ओर से भिजवाया जा रहा है जो है और जो था और जो आने वाला है। और हम इस बात को सोचते हैं कि शायद यूहन्ना यहां पर यीशु मसीह के विषय में बता रहा था, लिख रहा था। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो बात यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में इस जगह के ऊपर लिखी कि जो है, जो था और जो आने वाला है, पुराने नियम के अंदर ये वाक्य जो है वो परमेश्वर का एक टाइटल बताया गया है। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर ने अपनी पहचान जो थी वो मूसा को मैं हूं कह करके बताई थी। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं हूं तो उसके कहने का मतलब था कि मैं था, मैं अभी हूं और भविष्य में मैं ही रहूंगा। तो परमेश्वर जो था उसने मूसा को अपनी पहचान मैं हूं के रूप में जब बताई तो परमेश्वर के कहने का मतलब था कि मैं जो कि पहले था, मैं जो कि अभी हूं और मैं जो कि आने वाला हूं। और इसी बात को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 4 वचन में जब लिखा तो यीशु मसीह के बारे में नहीं लेकिन वो परमेश्वर के बारे में वहां पर लिख रहा था कि प्रकाशित वाक्य का ये संदेश सबसे ऊपर परमेश्वर के द्वारा कलीसियाओं को भेजा जा रहा है। परमेश्वर अपनी दिल की बात कलीसियाओं को इस संदेश के द्वारा बता रहा है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य के इसी 4 वचन में, 1 अध्याय के 4 वचन में एक और बहुत महत्वपूर्ण खुलासा यूहन्ना के द्वारा किया गया है। और यूहन्ना इस बात को कहता है कि यह संदेश ना केवल यीशु मसीह के द्वारा, ना केवल यूहन्ना के द्वारा, ना केवल परमेश्वर के द्वारा, लेकिन परमेश्वर की 7 आत्माओं के द्वारा भी भिजवाया जा रहा है। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। प्रकाशित वाक्य के इस वचन के अंदर यूहन्ना 7 आत्माओं का जिक्र करता है और ये 7 आत्माएं आखिर कौन है जो परमेश्वर के साथ साथ, यीशु मसीह के साथ साथ संदेश जो है वो कलीसिया को भिजवा रही हैं, इसका खुलासा यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय और उसके 5 वचन के अंदर किया है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर यूहन्ना कहता है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यूहन्ना ने स्वर्ग का नजारा बताया और स्वर्ग के नजारे के अंदर यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जो है वो जल रहे हैं और उसने कहा कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और यूहन्ना ने क्यों इस बात को कहा, क्योंकि यूहन्ना जो था वो एक यहूदी था और जानता था कि यहूदी धर्म के अंदर, यहूदी मान्यता के अंदर 7 दीपक जो है वो किस बात को प्रकट करते हैं। और यहां पर आप इस 7 नालियों वाले दीपदान को मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये 7 नालियों वाला दीपदान जो है इसको हिब्रू भाषा के अंदर मिनोरा कहा जाता है और यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मिनोरा के अंदर 7 ही दीपक जो है वो जलते हैं। और यहूदी इतिहास की बात की जाए, यहूदी कल्चर की बात की जाए तो यहूदी कल्चर के अंदर मिनोरा जो है उसको पवित्र आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है, उसको परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है, उसको पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है, या इस मिनोरा को जीवन के पेड़ का प्रतीक भी यहूदी इतिहास में, यहूदी परंपरा के अंदर माना जाता है। और यूहन्ना ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रकाशित वाक्य में इसी विषय के अंदर बताई है जिसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं।
प्रकाशित वाक्य के इस वचन में यूहन्ना के द्वारा उन सात आत्माओं को सात आंखें कहा गया है, और प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय उसके पांचवें वचन में उन सात आत्माओं को यूहन्ना के द्वारा सात दीपक कहा गया है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहूदी इतिहास जो है वो इस बात को बताता है, यहूदी परंपराएं इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर ने जब ये सात नालियों वाला दीपदान जो था, इस मिनोरा को बनाने की आज्ञा मूसा को प्रदान करी थी, तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि इस मिनोरा के सात नालियों वाले दीपदान के ऊपर के ये सात कप जो हैं वो बादाम के आकार के बनाए जाएं। और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी और इसीलिए मूसा ने ऊपर के ये कप जो थे वो बादाम के आकार के बनवाए थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि बादाम जो है वो इंसान की आंख के आकार का होता है, और इसीलिए मिनोरा के ये सात दीपक जो हुआ करते थे उनको सात आंखें यहूदी परंपरा के अंदर कहा जाता था। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के पांचवें अध्याय के अंदर यूहन्ना ने इस बात को कहा कि वो सात आंखें जो हैं वो परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। दरअसल यूहन्ना जो था वो सिंबॉलिकली इसी मिनोरा के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिख रहा था, क्योंकि यहूदी इतिहास में इस मिनोरा को पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता रहा है, इसको जीवन के पेड़ का प्रतीक माना जाता रहा है, और सबसे बढ़कर इसको मसीह का प्रतीक जो है वो माना जाता रहा है। और इसीलिए यूहन्ना ने जब मसीह के विषय में प्रकाशित वाक्य के पांचवें अध्याय के अंदर बताया तो उसने कहा कि उसकी सात आंखें जो थी वो सात आत्माएं हैं। जब ये दीपक जलते हैं तो ये सात दीपक जलते हैं जो कि पवित्र आत्मा को बताते हैं। और पवित्र आत्मा को सात आत्माएं क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यशाया उसका 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन जब आप पढ़ें तो वहां पे पवित्र आत्मा के सात मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो बताए गए हैं, यानी अलग अलग युगों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस जो हैं उनको प्रकट करता है, उनको पृथ्वी के ऊपर भेजता है। और इसी तथ्य को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के चौथे वचन के अंदर बता दिया था, इसी मिनोरा के विषय में बता दिया था। ये मिनोरा जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतीक मानी जाती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सात मैनिफेस्टेशंस का प्रतीक जो है वो ये मानी जाती है।